सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप YouTube पर आना चाहते हैं और YouTube पर आकर आप वर्क करना चाहते हैं एज अ व्लॉगर, तो क्या 2019 में और 2020 में आप एज अ व्लॉगर सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं, तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में मैंने जो कि व्लॉगर से रिलेटेड बात करनी है, तो मैंने सोचा क्यों एज अ व्लॉगर सेटअप आपसे बात कर ली जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कंप्लीट रूम है और मैंने इसको ऐसे इस टाइम लाइटिंग को सेट किया हुआ है कि पीछे कम्प्लीटली आपको डार्क नजर आ रहा है, एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए। तो अगर आप एक व्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि आपके पास एक अच्छा सेटअप हो चाहे ना हो, बस आपने उस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है कि आप उससे वीडियो प्रोड्यूस कर सके और लोगों को दिखा सके। तो अगर आप एक व्लॉगर बनना चाहते हैं 2019 या 2020 में, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो में कम्प्लीटली इसी बात का आंसर देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी से लाइक का जो बटन है इसको क्लिक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो व्लॉगर बनना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट उसके लिए आपको चाहिए स्किल। अब वो स्किल या तो आपकी वीडियो एडिटिंग की हो सकती है या फिर आपकी बोलने की कम्युनिकेशन की स्किल हो सकती है। अब कम्युनिकेशन की स्किल आपको सिर्फ इतनी चाहिए जितनी मेरे पास है। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है या मैं एक व्लॉगर बन सकता हूँ या ये या वो, बट ये है कि अगर आपने एक व्लॉगर बनना है तो अपने ऑडियंस को आपने टू द पॉइंट रखना है और अपने साथ इंगेज करना है। बट अगर आप बोल नहीं सकते और आपने सिंपली वीडियो शूट करनी है और आपने सिर्फ वही शो करवानी है, लोगों को वॉइस ओवर्स अंदर डाल देने, तब भी आप अच्छा काम करते हैं। बट उसके लिए फिर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी और साथ में आपको सिनेमेटिक शॉट्स लेने आने चाहिए। बट अगर आप एक रियल लाइफ व्लॉगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि देखना चाहती है कि आप रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, मोबाइल उठाना है, ऑन करना है, शूट करना है और अपलोड कर देना है। और आपने बस अपलोड करते जाना है 5 वीडियोस 10 वीडियोस 15 वीडियोस 20 वीडियोस 50 वीडियोस मैक्सिमम आपके पास ऑडियंस इतनी आ जाएगी कि आप यूट्यूब पर ग्रो करना शुरू कर देंगे। बट आपने स्टार्ट में ये नहीं देखना कि आपकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं या नहीं, लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं या नहीं, बट आपने कॉन्टेंट बनाते जाना है। बट अगर आप एक सिनेमेटिक शॉर्ट्स ले रहे हैं और उस चीज़ के लिए आपको सिर्फ सिनेमेटिक शॉर्ट्स की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए भी आपको एक स्टोरी चाहिए। अगर आप रियल लाइफ व्लॉगर हैं और आपने सिंपली अपने आप को शो करवाना है कि आप क्या कर रहे हैं, तब तो लोग उसको देखेंगे, इंगेज हो जाएंगे। बट अगर आपके पास सिर्फ सिनेमेटिक शॉर्ट्स हैं और वॉइस ओवर्स हैं और कुछ आपकी अपनी वीडियोज़ हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छी स्टोरी चाहिए ताकि लोग इंगेज रहें। तो अगर आप 2019 और 2020 में व्लॉगर बनना चाहते हैं तो क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं, तो इस बात का आंसर है जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक व्लॉगिंग में आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अभी तक व्लॉगिंग जिन्होंने स्टार्ट नहीं की और वो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो यकीनन वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोगों को आइडिया हो चुका है कि व्लॉगिंग क्या चीज़ है, कैसे करते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं या कौन से इक्विपमेंट यूज़ नहीं होते, इससे फ़ायदा क्या होता है और क्या नुकसान होता है। और लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जो कि व्लॉगर्स हैं। अब आपने ये करना है कि आपने सिंपली मोबाइल उठाना है, कैमरा उठाना है या फिर आपके पास जो कुछ भी है, कैमकॉर्ड है, ये जो भी आपने उससे वीडियो शूट करनी है, एडिट करनी है, अपलोड करनी है। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आप उसको भी सीख जाएंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एज अ व्लॉगर स्टार्टिंग में पैसा कमाना शुरू कर दें, मैं आपको बता दूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एज अ व्लॉगर अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ जाती है, तो फिर आपको कंपनीज ऑटोमेटिकली अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें फैशन कैटेगरी भी आ जाएगी और जिसमें इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको पिक करना शुरू कर देंगी और आप इजीली बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे और ये सेटअप भी अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। सो एज यूजुअल वीडियो देखने का शुक्रिया, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।